से कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सरेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते एक हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में 13 सीबीआई के मामले में वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेज हैं, वो हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है मनोज सिसोदिया को बेल मिली है और 17 महीनों के बाद वो जेल से रिहाई करेंगे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि 492 जो विटनेसेस है उसको एग्जामिन करने में टाइम लगेगा और बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल पे आज मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया और उसमें एक कंडीशन डाल दिया कि 10 लाख रुपीज श्योरिटी और 2 इक्वल श्योरिटी शुड बी गिवन बाय हिम, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और एविडेंस कोई टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे। ये 4-5 कंडीशन कोर्ट ने डाली है और उसके साथ आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी। 17 months सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन ही हैड सफर्ड एंड वेदर इट इज अ पीएमएलए एक्ट या पीएमएलए एक्ट है या कोई और भी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। और उन्होंने ये भी हिदायत दी है सारे निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा गई जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशन फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से दो चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ, बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस वी विल ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे।